हेलो, गुप्त वंश के शासन में हमने उनके शासकों के बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि स्कंद गुप्त के बाद उनके कौन से उत्तरवर्ती शासक हुए थे। आज से जो हमारा टॉपिक है वो गुप्त काल का शासन व्यवस्था, उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और उनकी वास्तुकलाओं का अध्ययन करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम गुप्त शासन व्यवस्था और उनके सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम गुप्तों के शासन व्यवस्था में देखते हैं तो जो सबसे पहला पद आता है वो आता है सम्राट का। गुप्तों में जो शासन व्यवस्था है उसका जो केंद्र बिंदु था वो सम्राट होता था, तो जो सबसे पहला बिंदु आएगा वो होगा सम्राट। अगर हम गुप्तों में देखते हैं उनके शासन व्यवस्था में, तो जो गुप्तों का विशाल साम्राज्य था वो उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त शासक अपने देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते थे, इसीलिए उनके द्वारा महाराजाधिराज, परम भट्टारक, एक राज, परमेश्वर जैसी विशाल उपाधियों को धारण किया गया था, क्योंकि इन उपाधियों को देवत्व का प्रतीक माना जाता है। जैसे कि समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता बताया गया है, तो इनके जो गुप्तों के प्रशासन के हम देखते हैं कि मुख्य स्रोत हैं, जिनके अधिकार और शक्तियां उनकी असीमित थी। जो शासक था वो कार्यपालिका का उस समय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके साथ ही वो शासक या सम्राट न्याय व्यवस्था का भी प्रधान न्यायाधीश होता था और सेना का सर्वोच्च सेनापति भी होता था। ये देखा गया है कि युद्धों के समय गुप्त शासकों द्वारा स्वयं अपनी सेना का संचालन किया गया है। प्रशासन व्यवस्था में अगर हमने जब गुप्तों का अध्ययन किया तो पाया कि जितने भी उच्च पदाधिकारी नियुक्त किए जाते थे वो गुप्त वंश के सम्राट या शासकों द्वारा नियुक्त किए जाते थे, इसीलिए ये उच्चाधिकारी गुप्त शासक के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो गुप्त वंश के जो सम्राट होते थे उनकी स्थिति एक निरंकुश शासक जैसी होती थी। फिर हाल निरंकुश शासक होने के बाद भी गुप्तों के जो सम्राट हैं, अगर उनके व्यवहार में देखा जाए तो पर्याप्त उदारता और जनहित की भावना उनमें पाई जाती थी। जैसे कि वो अपने को राजा ही नहीं मानते थे बल्कि वो प्रजा के लिए प्रजावत्सल राजा होते थे। गुप्त वंश में ये भी देखा गया है कि सम्राट के अलावा उनकी रानियों को भी काफी महत्व दिया गया है और कभी कभी ये उनकी रानियां या उनकी पत्नियों द्वारा शासक के साथ में राज संचालन में सहयोग किया गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के साथ उनकी पत्नी कुमार देवी ने पर्याप्त शासन व्यवस्था में सहयोग किया था। इसी प्रकार से गुप्तों की जो राजकुमारी थी प्रभावती गुप्ता, उसने भी वाकाटक राज्य में राज्य का संचालन किया था। आगे जब हम गुप्तों में देखते हैं तो ये पाते हैं कि गुप्तों में सामंतवाद की व्यवस्था का उदय हो गया था और इस जैसे कि समुद्रगुप्त के अधीन कई राजाओं ने अपनी अधीनता स्वीकार कर लिया था और समुद्रगुप्त ने उन राज्यों को अपने राज्य में शामिल नहीं किया था और उन राजाओं को अपने अपने क्षेत्र में शासन का पर्याप्त अधिकार सौंप दिया था, तो उनकी स्थिति समुद्रगुप्त के अधीन एक सामंत शासक जैसी होती थी। इसके अलावा जो राज्य जीते गए थे उनका तो सामंत उन्होंने वहां के राजा को नियुक्त ही किया था, इसके अतिरिक्त भी गुप्त शासकों द्वारा अपने व्यक्तिगत क्षेत्रों में भी कुछ सामंत नियुक्त किए गए थे और वो नियुक्त शासक भी या सामंत भी अपने क्षेत्र के स्वतंत्र शासक होते थे, या ये मान सकते हैं कि नाम मात्र के लिए वो सम्राट की अधीनता को स्वीकार करते थे। ये सामंत भी कहीं कहीं अभिलेखों में पाया गया है कि इनके द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई है और इनको भी अपने शासनकाल में सेना रखने का पर्याप्त अधिकार था, जनता से कर वसूलने का भी इनको अधिकार
मिला हुआ था। जैसे कि गुप्तों के इतिहास में अगर हम देखते हैं तो पूर्वी मालवा क्षेत्र में शनकानीक महाराज ने शासन किया, जिसने महाराज की उपाधि धारण किया। इसी प्रकार से अन्य कुछ शासकों ने भी अपने सामने महाराज या कुछ ऐसी उपाधियों को धारण किया है। हम देखते हैं कि इनके जो सामंत शासक थे उन्होंने अपने लेखों में अपने को पदानुध्यात कहा है, जिसका मतलब है कि उनको यह पद मतलब अपनी योग्यता के बल पर राजा द्वारा स्वयं दिया गया था। विभिन्न अवसर पर ये सामंत अपने सम्राट के समक्ष उपस्थित होते थे और उनको भेंट आदि देते रहते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुप्त काल में जो सामंतों की स्थिति थी वो उनके अधीनस्थ जरूर थे, लेकिन वो अपने आप में काफी शक्तिशाली स्थिति में थे। और ये जो शक्तिशाली स्थिति में जो सामंत थे ये भी अपने अधीन कई छोटे छोटे सामंत को रखते थे। जैसे कि एक वर्णन आया है परिवाजक महाराज हस्तिन का, तो ये भी एक छोटे सामंत के मतलब वो थे जिनके द्वारा भी कई छोटे सामंत बनाए गए थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुप्तों में जो शासक था, सम्राट था, वो केंद्रबिंदु होता था और उसके अधीन कुछ सामंत नियुक्त किए जाते थे, लेकिन वो स्वतंत्र स्थिति में रहते थे। तो हम देखते हैं कि गुप्तों के शासन का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें इन सामंतों का बहुत उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जो उस समय का ऐतिहासिक तथ्य मिलता है उससे पता चलता है कि शासकों द्वारा अपने अधीन सामंत को नियुक्त किया गया था। गुप्तों के प्रशासन में हम देखते हैं तो जो मौर्यकालीन केंद्रीय नियंत्रण अपने राजाओं पर या सामंतों पर होता था, गुप्त वंश में शासकों का उस प्रकार से केंद्रीय नियंत्रण नहीं था। तो जो सम्राट की स्थिति थी, हमने आपको बताया कि गुप्त वंश में सम्राट की स्थिति कैसी थी। लेकिन सम्राट के बाद जो अगला पद आता था वो था अमात्य का। अमात्य को मंत्री भी बोला जाता था। अगर हम देखते हैं तो गुप्त शासकों द्वारा अपने शासन कार्य में अमात्य, मंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों की सहायता प्राप्त की गई है। अमात्य से तात्पर्य ही ये है कि वो प्रशासनिक व्यवस्था के उच्च अधिकारी होते थे, लेकिन ये अमात्य प्रायः अपनी योग्यता पर नियुक्त किए जाते थे। जैसे कि हरसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें राज्यसभा का उल्लेख मिलता है और इनके सदस्य को सभे कहा गया है। तो इस प्रकार से माना गया है कि राजा का जो एक अमात्य का वर्ग था वो राज्यसभा में बैठ करके विभिन्न विचार विमर्श किया करता था। सामान्यतः जो राजा का बड़ा पुत्र होता था वही उसका उत्तराधिकारी होता था, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति में दूसरे योग्य राजकुमार को भी उसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता था। ये भी देखा गया है कि जो सम्राट के छोटे पुत्र होते थे वो अगर राजा नहीं बनते थे तो उनको छोटे छोटे प्रांतों का प्रांतीय शासक बनाया जाता था। जैसे गुप्तों के इतिहास में अगर आप देखते हो तो कुमार गुप्त प्रथम का जो छोटा भाई था गोविंद गुप्त, वो मालवा का राज्यपाल था। और ये युवराज जो है जो अपने छोटे छोटे केंद्रीय इकाइयों में शासन करते थे, किसी भी संकट के समय में अपने पिता की पर्याप्त सहायता करते थे। गुप्तों के इतिहास में हमने देखा तो युवराज की अधीनता में भी एक पृथक सैनिकों का विभाग होता था और सम्राट के युद्ध के समय ये युवराज महाराजा के साथ अपने उत्तरदायित्व का भली भांति निर्वहन करते थे। जैसे कि गुप्तों के इतिहास में अगर आप देखो तो कुमार गुप्त प्रथम के समय स्कंद गुप्त ने, जो कि कुमार गुप्त का पुत्र था, ने अपने पिता के कार्यकाल में ही कई प्रमुख सैनिक अभियानों का नेतृत्व किया था। तो गुप्त काल में हम देखते हैं कि विभिन्न विभाग के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्रियों का पद होता था और उन मंत्रियों के अंदर में विभिन्न विभाग होते थे। इसी प्रकार से गुप्त काल के जो लेख मिलते हैं या उनकी स्मृतियां मिलती हैं उसमें मंत्रियों और सचिवों का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन उनकी संख्या और उनके विभाग के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलता है।
फिलहाल उस समय विभाग में कुछ विभागीय अध्यक्ष भी नियुक्त किए जाते थे, लेकिन इन विभागाध्यक्ष और विभाग के मंत्रियों में कोई खास अंतर नहीं पाया गया है, अर्थात उनके काम लगभग एक समान होते थे। गुप्तों के अगर कार्य इतिहास में आप देखते हो तो सैनिक योग्यता मंत्रियों के लिए अनिवार्य पाई गई है कि वो मंत्री जरूर हो सकता था, लेकिन उसके अंदर एक सिपाही या सैनिक के गुण आवश्यक थे। जैसे कि हरसेन का जो मंत्री, वो समुद्रगुप्त का जो मंत्री था हरसेन, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मंत्री था वीरसेन, ये उनके मंत्री थे, अमात्य थे और बहुत ही उच्च कोटि के सेनानायक। जैसे कि हम देखते हैं कि जो वीरसेन, जो कि गुप्तों का सेनानायक था, उसका जो उदयगिर का अभिलेख मिलता है, वहाँ पर उसने जो दिखाया है उससे पता चलता है कि वो आनुवांशिक रूप से अपने पद का उपभोग कर रहा था। इसी प्रकार से कुमारगुप्त का जो मंत्री था पृथ्वीसेन, वो शिखर स्वामी का पुत्र था, जिस जो कि उसके पिता चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में उसका मंत्री रह चुका था। तो इस प्रकार से देखते हैं कि कुछ ऐसे इनके अमात्यों के पद पाए गए हैं जो आनुवांशिक रूप से कार्य करते थे और प्रमोट होकर के भी वो सेनापद जैसे पद को भी प्राप्त किए थे। जैसे कि हमने आपको बताया कि पृथ्वीसेन जो कि शिखर स्वामी का पुत्र था, मान था, लेकिन बाद में वो सेनापद के भी पद पर पहुंचा था। तो इस प्रकार से गुप्तों में सम्राट और अमात के बाद जो अगला पद आता है वो होता है प्रतिहार या महाप्रतिहार का। जो प्रतिहार या महाप्रतिहार होते थे वो गुप्त शासकों के दरबार के सबसे प्रमुख पदाधिकारी होते थे। सामान्य रूप से ये प्रतिहार और महाप्रतिहार प्रशासन में भाग नहीं लेते थे, लेकिन जो लोग सम्राट से भेंट करना चाहते थे, मुलाकात करना चाहते थे, उनको मिलवाने का कार्य प्रतिहार और महाप्रतिहार द्वारा किया जाता था। स्कंद गुप्त के जूनागढ़ लेख में भी मिलता है कि उस काल में ये जो प्रतिहार महाप्रतिहार थे, लगभग ये इन्हीं के समान एक दंडाधिकारी का पद होता था। तो ये देखा गया है कि उस काल में दंड नायक द्वारा किसी भी अपराधी को अत्यधिक पीड़ा नहीं पहुंचाई जाती थी। जैसे कि गुप्त काल के शासन में ही लिखे गए शूद्रक के नाटक मृच्छकटिका से पता चलता है कि चारुदत्त नामक व्यक्ति जो हत्यारा सिद्ध हो जाता है, लेकिन उसे मृत्युदंड की सजा नहीं दी जाती। अपराधों में गुप्तों में प्रायः आर्थिक जुर्माने किए जाते थे। अगर बार बार कोई अपराध किया जाता था और राजद्रोह जैसा अपराध किया जाता था तो उस व्यक्ति का दाहिना हाथ काट लिया जाता था। लेकिन हम देखते हैं कि गुप्तों के जो अन्य दंड थे वो मौर्युगीन शासकों की अपेक्षा काफी सरल थे और मृत थे, मतलब बहुत ही कठोर दंड नहीं दिए जाते थे। कुछ ऐसे मामले जैसे कि पशुओं को नष्ट करना या उनको मार डालना, जहां पर इन चीजों के लिए गुप्त काल में कौटिल्य ने मृत्युदंड का विधान किया था, वहीं पर गुप्त शासकों द्वारा या गुप्त स्मृतियों में इस अपराध के लिए मात्र प्रताड़ना या प्रताड़ित करने का ही विधान मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुप्त सम्राटों ने अपने प्राचीन भारतीय दंड विधान को काफी उदार और मृदु बनाने का प्रयास किया था और उन्होंने काफी हद तक इस कार्य को किया भी था। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम देश में जासूसी तथा अपराधों के लिए कठोर दंड विधान प्राचीन परंपराओं में पाते थे, तो गुप्तों ने उसमें थोड़ी सी सरलता ला करके या उसको थोड़ा सा मृदु बना करके उन भारतीय दंड विधानों में कुछ मानवीय सुधार भी किए थे। इस प्रकार से गुप्त काल में दंड व्यवस्था से एक नए युग का सूत्रपात
होता है या ऐसा दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से गुप्तों में अगर हम सैनिक संगठन देखते हैं तो गुप्त वंश के शासकों के पास हमने देखा कि एक काफी विशाल सेना पाई जाती थी, उनकी सेना काफी बड़ी होती थी और जो सेना का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता था उसे महाबलाधिकृत कहते थे। महाबलाधिकृत, यह सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। इसी प्रकार से गुप्त वंश के शासकों के पास जो हाथियों की सेना होती थी उसके प्रधान अधिकारी को महापीलुपद कहते थे। यह हाथियों की सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था महापीलुपति। घोड़ों की या अश्वों की या घुड़सवारों की जो सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे भट्टाशपति कहते थे। भट्टाशपति, ये घोड़ों की सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। तो हम देखते हैं कि गुप्तों द्वारा विभिन्न वर्ग की सेनाओं को बनाया गया था लेकिन ये सेना का सबसे बड़ा पद अधिकारी होता था महाबलाधिकृत। महापीलपद हाथियों की सेना का प्रधान होता था और भटाशुपति घुड़सवारों की सेना का प्रधान होता था। गुप्त शासकों द्वारा अपने सेना के सामानों की व्यवस्था रखने के लिए जिस प्रधान अधिकारी को नियुक्त किया जाता था उसे रण भांडागारिक कहते थे। रण भांडागारिक, ये जो है युद्ध के जो सैनिक होते थे उनके या राजा के सैनिकों के पूरे सामान के या सब जो हथियार या खान पान है उन सब चीजों के व्यवस्था करता था वो रण भांडागारिक कहलाता था। गुप्तों में अगर हम देखते हैं तो हमने बताया था कि गुप्त जो सम्राट होते थे वो स्वयं कुशल योद्धा होते थे, कुशल सेनापति होते थे। युद्ध के समय वो स्वयं रणनीति बनाते थे और स्वयं वो सेना की तरफ से भाग लेते थे। इसी प्रकार से हमने बताया कि उनके मंत्री भी उनके साथ में भाग लेते थे क्योंकि हमने आपको बताया कि उनके मंत्रियों के चयन में मंत्री का सैनिक योग्यता से पूर्ण होना अति आवश्यक था। इसी प्रकार से समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्त है जो कि हर्षेण द्वारा लिखाया गया है उसमें कुछ ऐसे हथियारों के नाम मिलते हैं जैसे कि परशु, शर, शंख, तोमर, भिंडपाल, नाराज। तो ये लगता है कि ये किसी हथियारों के नाम थे। अब हम गुप्तों के शासन व्यवस्था के बाद जो चलते हैं तो जो अगला बिंदु आता है वो होता है भूमि व राजस्व कि इनके यहाँ भूमि और राजस्व की क्या व्यवस्था थी। तो हम देखते हैं कि गुप्त युग में सिद्धांतिक रूप से अगर मानते हैं तो भूमि का जो स्वामी होता था वो सम्राट ही होता था लेकिन राजकीय भूमि के अतिरिक्त कुछ ऐसी भूमि भी होती थी जिन पर किसानों का स्वयं का स्वामित्व होता था, उनका निजी स्वामित्व होता था या उनके अधिकार में होती थी। इसी प्रकार से कुछ भूमि ऐसी मिलती हैं जिन्हों की जिन भूमों को ब्राह्मणों और मंदिरों को दान दिया जाता था, इन भूमि को अग्रहार कहते थे। इस प्रकार की जो भूमि होती थी जो कि दान में दी जाती थी ये सभी करों से मुक्त होती थी और जिनको ये मिल जाती थी वो पूर्णतया उनके स्वामित्व में होती थी। प्रायः ऐसी जो भूमिदान होती थी वो शैक्षणिक और धार्मिक व्यवस्थाओं के संवर्धन के लिए होती थी, उनको बढ़ाने के लिए होती थी। इसी प्रकार से भूमि या ऐसे होते थे जो कुछ लोग राजा को भी दान में दे सकते थे लेकिन ये भी पाया गया है कि जो अनुदान द्वारा या राजा के द्वारा भूमि दी जाती थी अगर वो उसने जिस व्यक्ति को दिया है उसके आचरण से वो असंतुष्ट है तो उस भूमि को वो वापस ले सकता था या उस भूमि को वो किसी दूसरे को दान में दे सकता था।
फिलहाल गुप्त राजाओं द्वारा अपने शासन काल में भूमि के विकास की ओर काफी ध्यान दिया गया था। भूमि कर को संग्रहण करने के लिए ध्रुवाधिकरण और भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने के लिए महाछप टलिक, इन पदों को भी उसने पदाधिकारियों को नियुक्त किया था और इसी प्रकार से करणिक नामक भी पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। हमने आपको जो बताया, पहला है ध्रुवाधिकरण, जो ध्रुवाधिकरण पदाधिकारी होता था, ये जो है भूमि कर का जो संग्रह करता था उसका अधिकारी होता था, कर संग्रह वाला। इसी प्रकार से जो अगला पद होता था महाछपटलिक, महाछपटलिक और करणिक, ये भूमि के जो पेपर्स होते थे या अभिलेख होते थे उनका लेखा जोखा रखता था, जैसे कि आज का जो राजस्व विभाग में लेखपाल या कानूनों का होता है। इसी प्रकार से न्यायाधिकरण नामक एक पदाधिकारी होता था जो भूमि संबंधी या दीवानी मुकदमों का निपटारा करता था। गुप्त वंश के शासन के समय भूमि की सिंचाई के लिए काफी अच्छी व्यवस्था थी। गुप्त शासकों ने कुएं, तालाब और नहरों का भी निर्माण कराया था। जैसे कि गुप्त शासक स्कंदगुप्त के जूनागढ़ के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित द्वारा गिरनार पर्वत में सुदर्शन झील के जो वो था चहर दीवारी या वो उसके जो बाउंड्री थी उसकी मरम्मत कराई गई थी या उसका पुनः निर्माण कराया गया था। और इन भूमों को सिंचाई के लिए उनके सुदर्शन झील के जल से उनकी सिंचाई की जाती थी। तो इस प्रकार से देखते हैं कि राजाओं द्वारा सिंचाई काफी पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार से जो राजाओं की व्यक्तिगत भूमि होती थी जिन्हें की राजकीय भूमि कहते थे, उन पर भी वो व्यक्तिगत रूप से किसानों को दे करके कृषि कार्य कराते थे और उसमें से जो उपज का एक भाग होता था वो राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। और प्रायः जो ये कर होता था वो 1/6 भाग होता था। इसी प्रकार से गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को जो कहा गया है उसे भाग कर या उद्रग कहा गया है, उद्रग, उद्रग या भूमि कर भाग कर, ये जो है भूमि कर होता था। अर्थात जो भूमि पर उपज पर जो हिस्सा लिया जाता था उसे उद्रग या भाग कर कहते थे। स्मृति ग्रंथों में इसे राजा की वृत्ति भी कहा गया है, अर्थात राजा की कमाई कहा गया है। नारद के अनुसार राजा प्रजा की रक्षा के लिए उपज का 1/6 भाग राजस्व के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी होता था। इसी प्रकार से कालिदास ने बताया है कि तपस्वियों के तप की रक्षा करने के लिए, संपत्ति को चोरों से बचाने के लिए राजा चारों आश्रमों और चारों वर्णों से धन का 1/6 भाग प्राप्त करता था। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि गुप्त शासकों द्वारा राजस्व उपज का 1/6 भाग ही कर के रूप में लिया जाता था। भूमि कर प्रायः नगद अथवा अन्य अथवा दोनों रूपों में लिया जाता था। तो इस प्रकार से गुप्त वंश में राजस्व का जो सबसे पहला स्रोत था वो भूमि कर होता था। गुप्त वंश में या गुप्त शासन में राजस्व का जो दूसरा स्रोत था वो था चुंगी। चुंगी जो है नगर में
जो वस्तुएं बिकती थी या आती जाती थी उनके ऊपर लगाया जाने वाला कर था। कहीं पर हमने अध्ययन किया और पाया था कि एक शब्द मिला था भूतोपात पात्याय। इसका मतलब ये भी किसी प्रकार का एक कर होता था जिसे कि बोला गया है भूतो पात पात काय। ये एक प्रकार का कर होता था और ये भी जो है प्रजा के से वसूला जाता था। राज्य में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को भूत और भीतर आयात करने वाली वस्तुओं को उपात कहा गया है, इसीलिए इसे भूतोपात पात्याय कहा गया है। ये जो कर है जो हमने बताया कि राज्य में उत्पन्न होने वाली वस्तु को भूत कहा गया है। ये जो है राज्य में बनती थी जो वस्तुएं, राज्य में उत्पन्न वस्तुएं, और एक वस्तु जो बाहर से मंगाई जाती थी, बाहर से मंगाने वाले को या आयातित वस्तु को उपात कहते थे। ये आयात वाली वस्तु है तो इनके ऊपर जो टैक्स लगता था या चुंगी ली जाती थी उस इसी को भूतो, दोनों को मिला करके भूत और उपात को भूतोपात पात्याय कहा गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि उस काल के जो कुछ लेख मिलते हैं उसमें विष्ट या विगार शब्द भी मिलता है। ये भी संभवतः एक प्रकार का कर होता था जो गुप्त वंश के राजाओं द्वारा लिया जाता था, लेकिन गुप्त वंश के राजाओं के किसी लेख में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। वात्स्यायन द्वारा जो कामसूत्र लिखा गया है उसके अध्ययन से पता चलता है कि गांवों में किसान स्त्रियों को मुखिया के घर के विविध कार्य जैसे कि घर की सफाई, अनाज रखना, खेतों में काम करने आदि के लिए बाध्य किया जाता था। जो गांव की लोकल स्त्रियां होती थी, किसानों की पत्नियां होती थी, वो मुखिया के घर में विभिन्न कार्य में सहयोग करती थी या कार्य करती थी। अनाज रखना है, घर की वस्तुएं, साफ सफाई या खेतों में काम करना, और इसके बदले में मुखिया का परिवार उन्हें किसी भी प्रकार की मजदूरी नहीं देता था। तो संभवतः इसी को बेगार या विष्ट शब्द कहा गया है। विद्वानों के विवरण के अनुसार गुप्त काल में विष्ट का व्यापक प्रचार होने का या व्यापक रूप से प्रचलित होने का पर्याप्त साक्ष्य मिलता है। इसी प्रकार से राजस्व के अंतर्गत व्यवहारिक वस्तुएं, चारागाह, वन, नमक आदि पर भी कर लगाए जाते थे और इन करों की वसूली से राज्य के प्राभूत कोष में काफी वृद्धि होती थी। गुप्त काल में सीमा और बिक्री की वस्तुओं पर भी कर लगते थे और इन करों को शुल्क कहा जाता था। स्कंद गुप्त का जो बिहार में एक लेख मिलता है उसमें शौलकिक, शौलकिक शौलकिक नामक एक शब्द मिलता है। तो संभवतः ये किसी प्रकार के पदाधिकारी का नाम था जो सीमा शुल्क विभाग का अधीक्षक होता था और ये व्यापारियों और सौदागरों के माल पर कर लगा करके उनकी वसूली करता था। इसके अतिरिक्त गुप्तों के राज्य की आय का या राजस्व का जो महत्वपूर्ण स्रोत था वो भूमि रत्न अर्थात भूमि की खुदाई करने से जो रत्न प्राप्त होते थे और जो नमक का उत्पादन करने से कर प्राप्त होता था वो भी था। लेकिन हमने देखा है कि पूरी कर व्यवस्था पर राजाओं का या राज का पूरा एकाधिकार होता था या राज्य का पूरा नियंत्रण होता था। इसी प्रकार से अपराधियों के ऊपर जुर्माने लगाए जाते थे, उनसे पर्याप्त धन राजकोष में जमा होता था क्योंकि उनमें हमने बताया कि अर्थदंड ज्यादा दिया जाता था। गुप्त युग की व्यवस्थाओं में जो कर का सिद्धांत था
वो उदार था, अर्थात इसके बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है, जैसे कि छठा भाग ही कर के रूप में लिया जाता था। तो कर ऐसा था जो एक सामान्य व्यक्ति दे सकता था। गुप्त काल में ही रची रचना कामांधकीय नीतिसार में शासक को जैसे कि लेखक ने सलाह दिया है कि जिस प्रकार से सूरज अपनी किरणों से जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार से राजा को अपनी प्रजा से थोड़ा थोड़ा धन ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार से राजा के आचरण की तुलना उस समय ग्वाला या माली से की गई है कि जिस प्रकार ग्वाला गायों से दूध दुहता है लेकिन उसके बच्चे को भी छोड़ता है, या जिस प्रकार से माली पौधों से फूल लेता है लेकिन चैन करके फूल लेता है, सभी फूल नहीं तोड़ता है, इसी प्रकार से राजा को भी अपने प्रजा के पोषण की पहले व्यवस्था करनी चाहिए और इसके बाद ही उस कर को वसूलना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुप्त सम्राटों द्वारा इस प्रकार के आदर्श को प्रस्तुत किया गया था कि अर्थात प्रजा को भी पर्याप्त जीने का संसाधन दे करके ही कर्ज मतलब वो कर लिया जाता था। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो गुप्त प्रशासन के अगर हम विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि गुप्त सम्राटों द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में एक विस्तृत सुधार किया गया था जो कि काफी उदार था और काफी सुसंगठित था। राज्य में उनके कार्यकाल में पूर्ण शांति और व्यवस्थित वातावरण रहता था। इसीलिए फाहियान जैसे यात्री ने भी लिखा है कि उसने बताया है कि फाहियान विदेशी था लेकिन उसे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं होती थी। गुप्तचरों से पुलिस अधिकारियों के आचरण से प्रजा को कोई कष्ट नहीं होता था। गुप्त नरेशों ने जो कि मौर्य काल बदनाम था कि काफी टैक्स लिए जाते थे उसमें उदारता किया था, उनके समय में काफी कठोर दंड दिए जाते थे उसमें गुप्त शासकों ने उदारता किया था। तो हम पाते हैं कि अगर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो गुप्त नरेशों द्वारा या गुप्त शासकों द्वारा मौर्य शासन के अनेक कड़े नियमों को उदार और जनहितकारी बनाया गया था। गुप्त काल में ही सबसे पहली बार नगर और गांव में स्थानीय शासन का विकास किया गया था। ग्राम सभाओं को उनका वास्तविक अधिकार प्रदान किया गया था। इस प्रकार से लोक हित के कार्यों को राज्य द्वारा किया गया था और इसी का ये परिणाम था कि राज्य समृद्धशाली बनता चला गया था। भौतिक समृद्धि के अतिरिक्त गुप्त शासकों द्वारा नैतिक उत्थान को भी महत्व दिया गया था। जैसे कि सम्राट स्कंदगुप्त का जूनागढ़ का अभिलेख में लोक हित के शासन व्यवस्था का सही चित्रण किया गया है जिसमें कि लिखा है तस्मिन नपे शासत नयो काश्चित मानुज प्रज्ञास आदरिद्रो विष्णी कर दंडयो ना वायो संपीडत स्यात्। अर्थात जिस प्रकार से राजा शासन कर रहा था कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो धर्मच्युत रहा हो अर्थात धर्म से अलग रहा हो, दुखी रहा हो, दरिद्र रहा हो, विष्णी रहा हो, लोभी रहा हो या दंडनीय होने के कारण अत्याधिक सताया गया हो। तो हम देखते हैं कि गुप्त वंश में शांति और समृद्धि ने संस्कृति के सभी क्षेत्रों में समुचित विकास के अवसर प्रदान किए गए थे। इसी प्रक्रिया इतिहास में गुप्त शासन व्यवस्था पर काफी गर्व भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास में महसूस किया गया है क्योंकि वो समकालीन और परवर्ती युग के राजाओं के लिए एक आदर्श का स्वरूप बनी थी। इसके बाद जो राजस्व के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो होता है गुप्त काल में सामाजिक जीवन। गुप्तकालीन सामाजिक जीवन में हम देखते हैं तो वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रभावी थी, प्रतिष्ठित थी। भारतीय समाज के जो परंपरागत चार वर्ण
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त कुछ अन्य जातियां भी अस्तित्व में आ चुकी थी। चारों वर्णों को सामाजिक स्थिति में विभेदित किया गया था। जैसे कि बाराह मिहिर के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के घर क्रमशः 5, 4, 3 और 2 कमरे वाले होने चाहिए थे। न्याय व्यवस्था में भी विभिन्न वर्णों की स्थिति के अनुसार भेद और भाव बरतने का पूरा विधान मिलता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस समय जात व्यवस्था उतनी जटिल नहीं थी जितना कि पहले के राज्य के कालों में या शासन के कालों में देखने को मिलता है। मतलब वर्ण व्यवस्था प्रभावी होने के बाद भी काफी उदार थी, जटिल नहीं थी। समाज के सभी वर्णों और जातियों में गुप्त काल में भी ब्राह्मण धर्म को काफी प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। यद्यपि उनका काल उस समय धार्मिक और साहित्यिक होता था, लेकिन उस काल में भी कुछ ब्राह्मणों द्वारा अपने जातीय पेशे धर्म और साहित्य को छोड़ करके अन्य जातियों की वृत्तियों को अपनाया गया था। जैसे कि शूद्रक के मृच्छकटिका नाटक, जो कि गुप्त काल की ही रचना है, में चार दत्त नामक एक ब्राह्मण को सार्थवाह या व्यापारी कहा गया है। इसी ग्रंथ से पता चलता है कि उसका जो परिवार था वो 3 पीढ़ियों से व्यापार और वाणिज्य की वृत्ति को अपनाए था, अर्थात तो वैश्य वर्ग के कार्य को वो करता था। इसी प्रकार से बौद्ध साहित्य ये बताता है कि बहुसंख्यक ब्राह्मण उस समय व्यापार और वाणिज्य का काम करते थे। स्मृति ग्रंथों में ब्राह्मण धर्म को आपद धर्म कहा गया है। इस काल में व्यापार और वाणिज्य के बढ़ते प्रभाव इस बात का सूचक है कि उस समय ब्राह्मणों द्वारा पुरोहित कार्य को छोड़ करके व्यापारी कार्य भी किए जाते थे। जैसे कि कुछ ब्राह्मणों द्वारा शिल्पकारी का भी कार्य किया जाता था। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ ब्राह्मण पदाधिकारी ऐसे थे जो युद्ध और सैनिक कार्य में भी निपुण थे। गुप्त काल में क्षत्रिय जात के लोगों ने भी व्यापार और औद्योगिक वृत्तियां अपनाई थी। तो हम देखते हैं कि सभी वर्गों की वृत्तियों में काफी शिथिलता आ गई थी और लोग एक दूसरे के कार्य को अपनाने लगे थे। गुप्त शासन व्यवस्था में अगर हम देखते हैं सामाजिक जीवन में, तो किसान या कृषक, पशुपालक, धातुकार, तैलकार, जुलाहे, माली आदि का जो है समाज में इन विभिन्न जातियों का गठन हो चुका था और ये एक अपने समूह को भी निर्मित करते थे। इसी प्रकार से अनेक मिश्रित या संकर जातियां भी अस्तित्व में आ चुकी थी। जैसे कि स्मृतियों में मूर्ध्वाशिक्त, अम्भ्रष्ट, पार्सव, उग्रकर्ण आदि मिश्रित जातियों का भी उल्लेख मिलता है। गुप्त काल के समकालीन अभिलेखों में कायस्थ नामक एक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। कायस्थों को यह माना गया है कि वो पेशेवर लेखक होते थे और उनकी कोई एक विशिष्ट जाति नहीं होती थी। स्मृति ग्रंथों में समाज में दास प्रथा के प्रचलन का भी प्रमाण मिलता है। युद्ध में बंदी बनाए गए लोग, ऋण न चुका पाने वाले लोग दास वृत्ति का कार्य करते थे। मृच्छकटिका नाटक से पता चलता है कि दास के शरीर पर उसके स्वामी का पूर्ण नियंत्रण होता था, किंतु यहाँ की जो उस समय की दास व्यवस्था थी वो पाश्चात्य देशों के दास व्यवस्था से सर्वथा भिन्न थी, अर्थात उतनी जटिल नहीं थी। एक निर्धारित समय अवधि तक सेवा करने के बाद या ऋण को चुका देने के बाद दास स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता था और उसके साथ समाज में मानवीय आचरण किया जाता था। यही कारण है कि यूनानी लेखकों ने इस प्रथा की ओर ध्यान नहीं दिया था। गुप्त वंश में या गुप्तकालीन साहित्यों में हम देखते हैं तो स्त्रियों को भी काफी प्रतिष्ठित स्थान दिया गया था। प्रायः सजातीय विवाह ही होते थे। कभी कभी उच्च वर्ग की कन्या का
निम्न वर्ग की कन्या से, निम्न वर्ग के पुरुष से विवाह होता था। ये भी देखा गया है कि जो उच्च वर्ण की कन्या होती थी और निम्न वर्ग का पुरुष होता था, वो जो है प्रतिलोम विवाह कहलाता था, और जो निम्न वर्ण की कन्या होती थी और उच्च वर्ण का पुरुष होता था वो अनुलोम विवाह कहलाता था। और स्मृत ग्रंथों में इन्हें पर्याप्त मान्यता दी गई थी। नारद और पराशर के द्वारा जो रचित स्मृतियां हैं उसमें विधवा विवाह को भी समर्थन दिया गया था, लेकिन बृहस्पति की स्मृतियों में इसे मान्यता नहीं दी गई थी। उनके अनुसार विधवा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना, व्रत, उपवास, तप, दान आदि के विधान में ही लगे रहना चाहिए और उसी का उदाहरण उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए। इससे प्रतीत होता है कि गुप्त काल में विधवा स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी नहीं थी और उन्हें कठोर साधना के साथ अपना जीवन बिताना पड़ता था। गुप्त युग में अगर हम देखते हैं तो कन्याओं का विवाह प्रायः 12 से 13 वर्ष की अवस्था में कर दिया जाता था और उनका उपनयन संस्कार भी बंद हो गया था। याज्ञवल्क्य की स्मृति के लिए जो उसमें लिखा है उसमें कन्या के लिए उपनयन और वेदों का अध्ययन पूर्ण रूप से निषेधित किया गया था। उसमें ये भी दिखाया गया है एक एरन के अभिलेख में कि जो कि भानुगुप्त का एरन का अभिलेख, उसमें दिखाया गया है कि उसके मित्र गोपराज की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी सती हो जाती थी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल सती का एकमात्र उदाहरण है, लेकिन समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। हम देखते हैं गुप्त काल में तो वैश्याव्रत के भी पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। काम सूत्र में गणिकाओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का उल्लेख मिलता है। उससे पता चलता है कि इस व्यवसाय में उस समय काफी उन्नति हो चुकी थी। मुद्रा राक्षस से पता चलता है कि उस समय बड़ी संख्या में वैश्याएं सड़क पर निकलती थी और मंदिरों में कन्याएं देवदासी के रूप में नृत्यगान आदि करती थी। तो हम ये देखते हैं कि उस समय गणिकाओं के रूप में वैश्याओं को भी पर्याप्त संरक्षण दिया गया था। कालिदास ने उज्जैनी के महाकाल मंदिर में नृत्य गान करने वाली देवदासियों का उल्लेख किया है। गुप्त काल में अगर अध्ययन आप करते हो पाते हो तो उसमें पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन नहीं मिलता है। स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता थी और वो पर्याप्त स्वतंत्रता के साथ विचरण कर सकती थी, लेकिन कुलीन वर्ग की महिलाएं बाहर निकलते समय मुंह पर प्रायः घूंघट डालती थी। गुप्त काल की स्मृतियों में स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार की मान्यता प्रदान की गई थी और स्त्री धन का दायरा उस समय काफी विस्तृत किया गया था। पुत्र के अभाव में पति की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार पाया जाता था। इसी प्रकार से नारद और कात्यायन द्वारा कन्या को अपने पिता की भी संपत्ति का उत्तराधिकारी बताया गया है। कात्यायन ने तो अपने स्मृति में ये व्यवस्था दिया था कि इस अचल संपत्ति पर स्त्री का अधिकार है और स्त्री इस धन को अपने अनुसार बेच सकती है या बंधक रख सकती है। तो गुप्त वंश में अगर हम समाज की स्थिति में देखते हैं तो समाज में उच्च वर्ग का जो जीवन था वो काफी सुखी और आमोदपूर्ण था या आनंद पूर्वक वो लोग रहते थे। संगीत, नृत्य, नाटक आदि द्वारा वो अपने जीवन का आनंद लेते थे। युवकों को प्रणय कला की भी शिक्षा दी जाती थी। काम सूत्र में इस प्रकार के सुख संपन्न नागरिकों की दिनचर्या का विस्तृत उल्लेख मिलता है, लेकिन गुप्त वंश में ये स्थिति समाज के निम्न वर्ग के लोगों को प्राप्त नहीं थी, अर्थात उनका जीवन उतना सुखमय नहीं था। तो आज की हमने वीडियो में गुप्त शासन व्यवस्था
उनके राजस्व व्यवस्था और सामाजिक जीवन का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम आपके सामने आर्थिक जीवन के साथ उपस्थित होंगे।